अमेरिकी फाइटर जेट्स ने क्यों की एलिफेंट वॉक, रूस ने कहा कि IS-400 एयर डिफेंस का टेस्ट, और ब्रिटेन ने क्यों खरीदे नैनो ड्रोन, देखते हैं टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड। अमेरिकी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने एलिफेंट वॉक कर दुश्मनों को अपनी ताकत दिखाई। बेहद कम तापमान में अपनी मारक क्षमता दिखाने के लिए हुई इस एक्सरसाइज में अमेरिकी एयरफोर्स के 18 F-35, 12 F-16 और 2 एयर रिफ्यूलर KC-135 ने हिस्सा लिया। एलिफेंट वॉक के दौरान एयरफोर्स अपने लड़ाकू विमानों को ऐसे फॉर्मेशन में खड़ा करती है जहाँ से वो बेहद कम समय में हमला कर सकते हैं। रूस ने अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का एक और टेस्ट किया। बर्फीले इलाके में हुए इस वॉर ड्रिल में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने अचूक निशाना लगाया और अपने टारगेट को ध्वस्त कर दिया। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम रूस का सबसे नया एयर डिफेंस सिस्टम है। ब्रिटेन ने अपनी सैन्य तैयारियों को मजबूत करते हुए 30 नैनो बग ड्रोन खरीदे हैं। महज 196 ग्राम के ये ड्रोन 2 किलोमीटर तक जासूसी कर सकते हैं। ये ड्रोन किसी भी मौसम में उड़ान भर सकते हैं। इनकी बैटरी लाइफ 40 मिनट की है। नेशविले में हुए धमाके के बाद अब अमेरिकी एजेंसियों को देश के 5G नेटवर्क पर हमले की आशंका है। अमेरिकी एजेंसियों को आशंका है कि आने वाले दिनों में नेशविले अटैक की तरह ही दूसरे शहरों में भी 5G नेटवर्क को निशाना बनाया जा सकता है। नेशविले में टेलीकॉम कंपनी AT&T के दफ्तर के बाहर ब्लास्ट हुआ था। समंदर में इसराइल के सबमरीन की तैनाती को लेकर ईरान ने नाराजगी जताई। ईरान ने कहा कि इसराइल को रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। ईरान ने कहा कि फारस की खाड़ी पर उसका अधिकार है और ईरान अपनी सुरक्षा के लिए यहां हर जरूरी कदम उठाएगा। ईरान की कुदस फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या के लिए हिजबुल्ला ने अमेरिका के साथ इसराइल को भी जिम्मेदार ठहराया। हिजबुल्ला ने कहा कि इसराइल ने सुलेमानी की हत्या के लिए अमेरिका को भड़काया। कासिम सुलेमानी को इसी साल जनवरी में बगदाद में अमेरिका ने ड्रोन अटैक में मार गिराया था। तुर्की ने ग्रीस के फ्रांस के राफेल खरीदने की डील पर तंज कसा है। तुर्की ने कहा कि ग्रीस जितने भी हथियार खरीद रहा है वो उसके लिए काफी नहीं है। तुर्की के रक्षा मंत्री ने कहा कि ग्रीस की इकॉनमी ठीक नहीं है और अपने नागरिकों का ध्यान रखने की बजाय ग्रीस की सरकार हथियार खरीद रही है। नेपाल के PM KP शर्मा ओली की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। देश भर में संसद भंग करने की PM ओली के फैसले के खिलाफ पूरे नेपाल में प्रदर्शन हो रहा है। वीरगंज में हजारों लोगों ने बाइक रैली निकालकर ओली के फैसले का विरोध किया। अजरबैजान ने आर्मेनिया पर काराबाख में युद्ध विराम तोड़ने का आरोप लगाया है। अजरबैजान ने आरोप लगाया है कि हादरुत इलाके में आर्मेनिया की फौज ने युद्ध विराम तोड़कर फायरिंग की है। रूस ने कहा है कि वो युद्ध विराम तोड़ने के आरोपों की जांच कर रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।